हेलो जय गुरुदेव विसा। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस मस्त रहने के लिए तो व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। तो फिर से एक नया दिन, एक नया सवेरा और शुरुआत करते हैं हमारे एक नए ब्लॉग की। और यहाँ पे सारे मॉर्निंग के चाय और जो बच्चों के स्कूल में नाश्ता डाला था उसके बर्तन हो गए क्लीन, और बर्तन हो चुके हैं क्लीन, और वहाँ पे सूर्य देवता भी आ गए घर से बाहर। और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आटा और साथ में चल रही 11 के भजन, क्योंकि आज है 11। और यहाँ पे हमारे आज बनाने वाले दाल चावल, जिसकी दाल उबल कर हो चुकी है रेडी। और अब हम बना रहे हैं मेथी की सब्ज़ी। ये मेथी पालक की सब्ज़ी है। बस ये सब्ज़ी भी बन चुकी है। ये सारी हमें मम्मी काट के देते हैं मॉर्निंग में सब्ज़ियाँ। उन्होंने अपनी माला वगैरह कर ली तो सारी सब्ज़ियाँ भी काट के दे दी, और ये साथ में उन्होंने भिंडी भी काट दी, और एज़ यूज़ुअल वो अभी छील रहे लहसुन। हमारे मम्मी ये सब काम फटाफट कर देते हैं। और है आज 11, तो मैंने यहाँ पर भिगोया है थोड़ा सा साबूदाना, क्योंकि मैं दोपहर में इससे घर कर लेती हूँ। और यहाँ पे सारी क्लीनिंग डस्टिंग हो गई है डन। आज मैंने सारे मिरर साफ किए थे। और अब खाएंगे तिल का लड्डू, ये उस दिन बनाए थे वो। और यहाँ पे हमारा मॉर्निंग का खाना बनकर हो चुका है तैयार। ये दाल, यहाँ पे चावल भी बन गए, और ये बच्चों की फेवरेट भिंडी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। यहाँ पे मैंने मेरा सेटअप लगा लिया रोटी बनाने के लिए। और ये रहे हमारे मासी जी दाल चावल के साथ पापड़। मासी जी ने दाल चावल के साथ में पापड़ भी फ्राई कर लिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। और मासी बना रही है मेरे लिए यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी। ये रहा साबूदाना, मैंने सुबह में भिगोया था। और यहाँ पे सारे काट लिए आलू और मिर्च, क्योंकि मुझे मासी के हाथ का साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद आती है। ये सामा खाती नहीं साबूदाना खाती है, आलू के और साबूदाने की सब्जी। वो क्या ना, व्रत उपवास करते हैं तो दूसरे का हाथ का ज्यादा भाता है, इसलिए मैं मासी के हाथ की साबूदाने की खिचड़ी का ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मासी बना रही है मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी, मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। यहाँ पे मासी ने चढ़ा दिया तेल। अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं है तब तक मासी, मैं एक ही टाइम मतलब सेगार करती हूँ, इसलिए अभी दोपहर में कर लूंगी सेगार। और यहाँ पे साबूदाना बनकर हो चुका है रेडी, ये देखिए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सेगार, ये साबूदाने की खिचड़ी, और ये साथ में बनाई लस्सी। और ये देखो किसू भी आ गई स्कूल से, और इसको भी इतनी पसंद आती है ना लस्सी, इसलिए हमें बच्चों के लिए भी बनानी पड़ती है। और पी रही है लस्सी अभी मजे से, इधर कैमरे के सामने भी नहीं देख रही है। और अभी हो गई है शाम, हमने चाय वाय कर पी लिए। ये देखिए यहाँ पे युवराज कर रहा है पढ़ाई। युवी किस में कर रहा बेटा? एसएस में। और इसकी दोनों बहनें बताती वो क्या कर रही। ये देखो इसकी बहनें दोनों गेम खेलने में लगी हुई है, लगता है इन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। होमवर्क पूरा हो गया दोनों का? चलो अब गेम खेलने में। आज हम लोग बना रहे डिनर में ये पत्ता गोभी के पराठे, जिसके लिए यहाँ पे मैं पत्ता गोभी को कर रही हूँ कद्दूकस। हमने ये दो पत्ता गोभी के फूल लिए और इनको कद्दूकस कर लेंगे, फिर सारे मसाले इनमें डाल के आटा लगा लेंगे। तो बस मैं अभी इनको कद्दूकस कर रही हूँ। और साथ में हमने ये भिगोई चने की दाल, हम लोग सब्जी बनाएंगे आलू चने की दाल ही। बस ये पराठे तो सुबह में भी काम आ जाते, और वो जो आल की सब्जी वो मुझे नहीं पसंद आती, इसलिए आज ही बनाएंगे। और अभी मैंने पूरी पत्ता गोभी को कर लिया कद्दूकस। अब इसमें मैंने लिया यहाँ पे थोड़ा सा बाजरी का आटा, और
थोड़ा सा बेसन और बड़ा पिसा हुआ आटा और थोड़ी सी सूजी और जो रेगुलर रोटी का आटा होता है, ये अभी हमारे पास में जो अवेलेबल थे बाजरी का आटा और ये बड़ा आटा, इसलिए ले लिया। हमारे पास में जो भी हो वो हम आटा ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी, 2 टेबल स्पून जितना इसमें मैंने हरा ये सूखा धनिया डाला, थोड़ा सा नमक और ये लहसुन, हरी मिर्च और धनिया की पेस्ट मिक्सर में पीस के बनाई और 2 टेबल स्पून इसमें दही डाला और ये थोड़ा सा तेल। फिर अच्छे से मिक्स करके ये यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद में इसको मैंने फ्रीज में रख दिया क्योंकि अभी पराठे हमें बाद में बनाने हैं तो ये आटा फिर गीला हो जाता है इसलिए। और पराठे हो और कढ़ी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं कढ़ी का घोल अब तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे कढ़ी बनकर हो गई है तैयार। ये मैंने मारवाड़ी कढ़ी बनाई है इसलिए अभी इसको थोड़ी दूर ज़्यादा पकानी पड़ती है। गुजराती कढ़ी होती है उसको हम गैस पे रख देते हैं, ज़्यादा चलानी नहीं पड़ती उसको। और यहाँ पे मासी जी बना रहे हैं दूधी चने की सब्जी। ये देखो मासी जी भी फटाफट लगे हुए सब्जी बनाने में और हमारे मम्मी जी कर रहे हैं फ़ोन पे बातें हमारे मामी सा के साथ में। तो बस मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी तो बन गई है, मतलब हिला रही और मासी बना रही है यहाँ पे सब्जी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये पराठे। ये जैसे दूसरे पराठे बनाते हैं हम वैसे ही बनाते हैं, ये स्टेपिंग करके हम नहीं बनाते। ये आटा अभी मैंने फ्रिज से बाहर निकाला है क्योंकि हम अभी बना रहे हैं पराठे इसलिए। तो हम नॉर्मल आटे में ही ये सारा मसाला और पत्ता गोभी डाल के इसका आटा लगा लेते हैं और हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। तो बस ये देखिए खाने में भी अच्छे लगते हैं और अभी सर्दियों में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे किसु खा रही है खाना। किसु कैसे लग रहे हैं पराठे? अलग लग रहे हैं, थोड़े अलग लग रहे हैं ना। और मासी भी खा रही है खाना। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कढ़ी और पराठे अच्छे लगते हैं ना मासी? बस सारे बहनों को नहीं भाई, बाकी सबको बहुत पसंद है। बस कोई बात नहीं, अगर भा जाएंगे। किसु खाना सीखो। किसु मेहनत से बनाई हुई सारी चीज़ अच्छी होती है, सही है ना मासी? इतनी दूर से पराठे बना रहे, आधे मासी ने बनाए आधे मैंने बनाए और अब अच्छे होंगे ना। तो चलो इसी के साथ आज ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।